असलम डे लर्नर्स एंड पोटेंशियल ऑनटरपन्य एंड ऑनटरपन्योज वेलकम इन द वीडियो और वीडियो है पैकेटिंग एंड लेबलिंग के बारे में ये भी इंतहाई अहम टॉपिक है आपकी प्रोडक्ट के हवा तौर पर प्रोडक्ट के हवाले से बिकॉज uh, पैकेजिंग और लेबलिंग आपके प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करती है आप और आपके कस्टमर के दरम्यान में एक ट्रस्ट को डिवेलप करती है पैकेजिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि पैकेजिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर ली मिसाल के तौर पर आपने एक ब्लेजर बना लिया है एक कोट बना लिया है अब आपने वो कोट इंतहा महंगा बनाया है बहुत कस्टमाइज बनाया है और आपके पास जब कस्टमर लेने के लिए आया है तो आप उसको शॉपर में तो डाल के नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आपने वो जो एक स्टिच कस्टमाइज कोट सिया है किसी कस्टमर के लिए वो आप उसको किस बैग में डाल के देंगे वो बैग उस कोट के लिए कितना अच्छा होगा क्या वो उसके ऊपर डस्ट तो नहीं आने देगा क्या उसके ऊपर रिंकल्स तो नहीं डाल देगा क्या उसको कैरी करना आसान है क्या कस्टमर जब उसको कैरी कर रहा है और उस, उसने आपको ठीक ठाक पैसे भी दिए हैं ठीक है तो क्या उसको अच्छा लग रहा है वो बैग कैरी करना लाइक वाइज आपने देखा होगा जितने भी ब्रांड्स हैं इस वक्त वो ब्रांड्स ख़ास तौर पर अपनी जो पैकेजिंग है उसमें बहुत तवज्जो देते हैं बिकॉज जो पैकेज जो पैकेजिंग है वो एक तरह का कंटेनर है उनकी प्रोडक्ट का फेस होता है उसकी प्रोडक्ट का अच्छा पैकेजिंग के साथ आ जाती है लेबलिंग जब लेबलिंग की बात होती है तब खास तौर पे हमारे वो ऑनटरपन जो किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जिसमें लेबलिंग बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उसमें लीगल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं मिसाल के तौर पर मेडिसिन मेडिसिन के ऊपर कुछ लॉस के मुताबिक सर्टन इंफॉर्मेशन लाजिम होनी चाहिए उसके पैक के ऊपर अदरवाइज़ आपके खिलाफ़ जिसे कहते हैं कार्रवाई हो सकती है आपने देखा होगा रिसेंटली पंजाब के अंदर एक कैंपेन चली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इन केस आप ये भी सिर्फ इतना सा काम करना चाहते हैं कि आप जो मसाला जाते हैं उसको पीस के पैक करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये कब पैक हुआ था ये किस जगह पे पैक हुआ था और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है सो पैकेजिंग हो या लेबलिंग हो आपकी प्रोडक्ट के लिए बहुत क्रिटिकल होती है बिकॉज अगेन आपकी पैकेजिंग आपकी क्वालिटी आपका कस्टमर के साथ ट्रस्ट और आपके लेबलिंग इश्यूज को डील कर रहा होता है अच्छा मिस एग्जाम्पल से शुरू करते हैं आप एक टूथपेस्ट बाय करने के लिए जाते हैं जब आप एक टूथपेस्ट बाय करते हैं बींग अ कस्टमर शायद हमने कभी उसको इतना ध्यान से देखा भी ना हो तो आप देखिएगा कि उसके ऊपर दो काम हो रहे होते हैं एक उसका मेन कंटेनर जिसके अंदर वो टूथपेस्ट होती है ठीक है वो प्लास्टिक का है या किसी और मटेरियल का है और प्लस फिर उसके बाद वो एक गत्ते के डिब्बे के अंदर पैक होता है कुछ इन्फॉमेसन दूध पे इसके ऊपर लगी हुई होती है लिखी हुई होती है कुछ इन्फॉर्मेशन उस डिब्बे के ऊपर लिखी हुई होती है फिर उसके ऊपर उसके कुछ सर्टन कलर्स होते हैं उसके साइजेज होते हैं और ये तमाम चीज़ें आपके कस्टमर को हेल्प कर रही होती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए मिसाल के तौर पे कुछ सर्टन कलर्स हम ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहेंगे कुछ सर्टन कलर्स इतने प्रोमिनेंट हैं उन टूथपेस्ट के कि हम जैसे ही फॉरन देखते हैं हम फॉरन पहचान लेते हैं और टूथपेस्ट को उठा लेते हैं वजह बिकॉज हम उसके पैकेज उसकी लेबलिंग उसके कलर से बहुत वाकिफ़ होते हैं सो so हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में या प्रोडक्ट को कैच करने में आसानी हो जाती है जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं पैकेजिंग बेसिकली है क्या अगेन मैंने कहा था पैकेजिंग किसी भी ऑन्टरपनी और क्लियसली अहम है क्योंकि पैकेजिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जब आप प्रोडक्ट डिजाइन कर लेंगे तो प्रोडक्ट को जब आप किसी कंटेनर में डालेंगे तो कंटेनर भी आपसे कॉस्ट मांगेगा अगेन पैकेजिंग की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो ऑनटिनियो डॉट कॉम ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है पैकेजिंग की ऑनटिन्यो डॉट कॉम ने लिखा है अपनी वेबसाइट पे कि द रैपिंग मटेरियल अराउंड कंज्यूमर आइटम दैट सर्व्स टू कंटेन आइडेंटिफाई डिस्क्राइब प्रोटेक्ट डिस्प्ले प्रमोट एंड अदरवाइज़ मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल एंड कीप इट क्लीन इससे ज़्यादा वेल डिफाइंड डेफिनेशन पैकेजिंग की मुझे कहीं और से नहीं मिली यानी पैकेजिंग कहने को तो सिर्फ एक कंटेनर है जिसमें आप प्रोडक्ट रख के बेच रहे हैं लेकिन देखिए वो कर क्या रहा है वो आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी कर रहा है आपके कंपेरिटर से वो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब भी कर रहा है उसकी क्वालिटी को इंश्योर भी कर रहा है वो आपकी प्रोडक्ट को मार्केटेबल भी बना रहा है ठीक है और ये सारा काम क्या कौन कर रहा है आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग ओके okay. अगर फिलिप कार्टर को देखें तो फिलिप कार्टलर ने कहा है कि पैकेजिंग जो है उसके अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है पैकेजिंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट यानी जब आप अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करेंगे तो आपको उसके साथ साथ उसकी पैकेजिंग भी डिज़ाइन करनी पड़ेगी आ, ये सिर्फ खाली एक कंटेनर नहीं होता जिसमें आपने चीज रखी और बेच दी ये बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स आपको ऑफर कर रहा होता है किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके मल्टीपल लेवल्स ऑफ पैकेजिंग भी हो सकते हैं ये भी आपने देखना है कि आप प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या कर रहे हैं जिस तरह हमने टूथपेस्ट की एग्जाम्पल ली एक उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होगी जिस तरह हमने कहा ना टूथपेस्ट है तो वो एक ट्यूब के अंदर पैक है वो ट्यूब किसी मट, और मटेरियल का, का है या वो प्लास्टिक का है या किस चीज का है तो एक तो आ गई आपकी प्राइमरी पैकेजिंग सेकंड आती है उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग जिस तरह आप टूथपेस्ट को अगर अपने ट्यूब में ऐड किया हुआ है डाला हुआ है तो आप उसको ओपनली नहीं रख सकते तो आप उसके इर्द गिर्द गत्ते का डिब्बा बनाते हैं वो ट्यूब उसके अंदर पैक होती है जितनी भी आप एग्जांपल्स ले लें तो आप देखेंगे कि हम डिब्बा खोलते हैं मेडिसिन की एग्जांपल ले लें हम सिरप लेते हैं बाजा अकात सीरप सामने पड़ा होता है बाज़ अवकात सीरप जो होता है वो किसी डिब्बे के अंदर बंद होता है हम डिब्बा खोलते हैं और उसमें से हम सिरप की बॉटल निकालते हैं सो so, एक उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है एक उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है और ख़ास तौर पे अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं अपनी चीज ऑनलाइन बेचूंगा और मैं अपनी चीज बल्क में बेचूंगा आप होल बनना चाहते हैं तो आपके पास टूथपेस्ट है तो उसकी शिपिंग भी आपने करनी है तो एक ट्यूब ट्यूब के अंदर डिब्बा और डिब्बे उसके बाद अगर आपने लेटे सपोज एक कंटेनर के अंदर एक हजार दो हजार या तीन हजार टूथपेस्ट का आपको ऑर्डर है तो आप उसको किस में पैक करके भेजेंगे इफ़ यू आर अ होल सेलर सो अगेन इसको हम कहते हैं शिपिंग या थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग और ये सारी की सारी पैकेजिंग दो चीज़ें एक आपसे कॉस्ट मांगेगी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपसे आपकी कॉस्ट आपका बजट मांगेंगे पैकेजिंग इसलिए भी बहुत क्रिटिकल होती है ख़ास तौर पे किसी ऐसे प्रोडक्ट के हवाले से जो आपने डिज़ाइन की और बहुत वर्ज आएल हो बहुत नाजुक हो आप कहते हैं कि मैं एक ग्लास बेचना चाहता हूँ तो ग्लास की पैकेजिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई ग्लास आपस में टकराए ना ग्लास टूटे ना पैकेजिंग के ऊपर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आप डिब्बा आपने सीधा रखना है उसकी अप साइड कौन सी है आपने अगर फ्रिज लिया है या और भी कोई ऐसी आइटम लिया है तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत से साइंस बने हुए होते हैं इसको जिसे कहते हैं आप इस तरह से उठाइए इसकी अप साइड ये है आप इसको तिरछा मत कीजिए आप इसको तेज़ धूप में ना रखें आप इसको किसी गीली जगह पे ना रखें और सारे सिंबल्स उसके डिब्बे के ऊपर लगे हुए होते हैं आपकी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही है आपकी पैकेजिंग अच्छा पैकेजिंग को इसीलिए कहा जाता है फेस ऑफ द प्रोडक्ट या आपका प्रोडक्ट का फेस भी होता है आप पैकेजिंग को एक ऑर्डिनरी डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं डाल सकते आपने अपनी जिस तरह प्रोडक्ट खास तौर पे जिस तरह हमने अपने साथ महरीन को रखा हुआ है तो वो अगर केक सेल करती हैं तो केक को किस डिब्बे में डालना है कि वो डैमेज ना हो आ, उसकी फ्रेशनेस ना डैमेज हो केक जब एक जगह से दूसरी जगह तक, तक, तक जा रहा है यानी एक जगह से बेक होकर जिस जो उसने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है उसकी फ़्रेशनेस भी कायम रहे उसका डिज़ाइन भी कायम रहे और वो डैमेज ना हो इट्स अ सीरियस डिसीजन पैकेजिंग कंसर्न्स होते क्या है पहली तो हमने ये बताया ना कि पैकेजिंग क्या है एक कंटेनर है जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट डालनी है दूसरी बात आ जाती है इसकी डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी बाज़ात आपकी प्रोडक्ट इस तरह की होती है कि उसके जो पैकेजिंग है उसको आपको बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है मिसाल के तौर पर अभी हमने आपको एग्जाम्पल दी थी शीशे के ग्लास ग्लास की कि अगर आप ग्लास बेचना चाहते हैं या कोई ऐसा आइटम है या कोई डेकोरेशन पीस है तो जब आप उसको पैक करेंगे तो पैकिंग इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें आपकी प्रोडक्ट डैमेज ना हो जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल फोन्स या अगर आप लैपटॉप बाय करते हैं तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर पैकिंग और एक्स्ट्रा मटेरियल और अदर बैगेजेस वो तमाम चीज़ें बेसिकली हो क्या रहा होता है वो पैकेजिंग हेल्प कर रही होती है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी को सो so उस वो फंक्शनल भी हो यानी इन अदर वर्ड्स आपका इतना अच्छा पैकेज उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन हुई हो कि उस प्रोडक्ट को ऑपरेट करने में हेल्पफुल uh, हो और जब वो प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचे तो अगेन प्रोडक्ट किसी भी तरह से डैमेज ना हो uh, पैकेजिंग की कलर एंड क्वालिटी ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि हमने टूथपेस्ट का डिब्बा पकड़ा तो सबसे पहले तो डिब्बा ही हमारे हाथ में आ गया कि वो इतने बुरे गत्ते से आपने बनाया हो ठीक है वहीं पर आपका पूरा प्रोडक्ट इमेज आपका ब्रांड इमेज खराब हो जाता है और कलर आइडेंटिफाई करता है कस्टमर uh, को आपकी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में उसके साइज़ क्या हो गया टूथपेस्ट के मल्टीपल साइजेस होते हैं स्मॉल साइज़ होता है बहुत स्मॉल साइज होता है फैमिली साइज़ होता है सो so, आप साइजेस के अंदर भी चले जाते हैं ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की आपने एक फ्रिज बनाया और आपने कहा कि जी मैं फ्रिज बेचा करूंगा दूर दराज इलाकों के अंदर और पता चले कि जो आपका जो फ्रिज के ऊपर तो डिब, जो आपने डिब्बा जो डिब्बा लगाया हुआ था थोड़े सा पानी लगा और उसके बाद वो डैमेज हो गया और आपकी जो प्रोडक्ट है उसका पैकेज खराब हो गया सो so, इसी लिए उसको ड्यूरेबल भी होना चाहिए और ख़ास तौर पर अगेन एंड अगेन कॉस्ट कॉस्ट एंड कॉस्ट पैकेजिंग की कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बाज़ात प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती जितनी बाजुकात एक्सपेंसिव उसकी पैकेजिंग हो जाती है पैकेजिंग अट्रैक्ट भी करती है एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम आपकी स्क्रीस पे दिखा सकें बच्चों को जिस तरह आप कैंडीज़ देते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों की जो कैंडीज़ होती हैं वो जिस तरह के डिब्बों में पैक होती हैं वो डिब्बे बड़े यूनिक होते हैं बहुत अलग तरीके से उसको डिज़ाइन किया होता है अट्रैक्ट करने के लिए कोई फ़नी फेसेस बने हुए होते हैं उसकी उसको बनाए इस तरह से होता है कि बच्चों को खोलने में मज़ा आता है या फिर उसकी पैकेजिंग इस तरह से होती है कि जो बच्चों की कैंडी है वो डैमेज ना हो या उसकी क्वालिटी डैमेज ना हो सो so अगेन अगर आपने पैकेजिंग की एग्जांपल देखनी है तो मैं हमेशा कहती हूँ आप मार्केट में जाएं और जाके देखें कि बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करना जो होता है उसकी अटेंशन ग्रैप करना सबसे ट्रिकी होता है सो so बच्चों की जो कैंडीज जिन बैग्स में होती हैं उन बैग्स को भी देखा करें तो आपको वहाँ से आइडिया होगा कि पैकेजिंग सिर्फ कंटेनर नहीं है पैकेजिंग कस्टमर को अट्रैक्ट भी करता है पैकेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है जैसा कि हमने आपसे शेयर किया कंज्यूमर इन्फ्लुएंस होता है आपकी पैकेजिंग से मुझे कोई एक बॉक्स आए और उसमें से जब मैं अपनी आइटम निकालूं और वो बहुत अच्छे तरीके से पैक हुई हो तो मेरा आप पर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी आपने मुझे बिरयानी भी अगर बेची है और वो किसी ऐसे कंटेनर में है जिसने उसको गर्म रखा हुआ है तो इट इन इंश्योर्स द क्वालिटी जिस तरह हमने एग्जाम्पल दी थी कि महरीन ने आपको केक बेचा है तो वो जिस किसी ऐसे बॉक्स में है कि जिसमें उसकी शेप ख़राब नहीं हो रही और किसकी फ्रेशनेस ख़राब नहीं हो रही तो इट मीनस के पैकेजिंग ने इंश्योर की है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी ब्रांड रेकग्नाइज हो जाता है री इन्फोर्समेंट भी होती है हमें याद हो जाता है बाजू का तो कुछ पैकेजिंग uh, के कंटेनर्स इतने अच्छे होते हैं कुछ कंटेनर्स इतने अच्छे होते हैं कि हम बार बार वो चीज़ खरीदते हैं और उसके कंटेनर्स को मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर होती है लेबलिंग लेबलिंग सबसे क्रिटिकल मैटर है खासतौर पर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जिसमें लेबलिंग को कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रही है क्या है लेबलिंग द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन इट्स कंटेनर पैकेटिंग और प्रोडक्ट इट और अगेन एंड अगेन मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपकी सर्टन प्रोडक्ट्स जैसे मेडिसिन हो गई या आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उसमें बाजात एक रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो इन्वॉल्व हो जाती है कि आपको ये सर्टेन इन्फॉर्मेशन ख़ासतौर पर मेडिसिन से हम फिर फॉर कनेक्ट कर लेते हैं आपने देखा अगर डिब्बा खुलता है और इसमें से एक लंबा सा ब्रॉशर निकलता है जिसके ऊपर बहुत लंबी इन्फॉमेसन लिखी हुई होती है ये सारा का सारा जो है वो ताल्लुक उसका किससे होता है लेबलिंग से होता है सो लेबलिंग पैकेजिंग के साथ साथ उसका हिस्सा और बहुत अहम है अगर आप इवन एक चिप्स भी खा रहे हैं या एक चॉकलेट भी खा रहे हैं तो आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि वो आपको बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कौन कौन सी कैलरीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं सो लेबलिंग एक सादे से टैग से लेकर बहुत मेडिसिन की या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्स पिक्टोरियल काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन कोई भी चीज़ हो सकती है लेबलिंग बट क्रिटिकल है इम्पॉर्टेंट है डिफाइन कर रही है आपका प्रोडक्ट आप कस्टमर को बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट को हैंडल किस तरह से किया जाए सो बी वेरी कंसर्नड अबाउट योर पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट सी यू दैन नेक्स्ट वीडियो